राम राम दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की आंसर की वीडियो आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा, क्योंकि मैं आपको ना एक एक कैंडल का हिसाब देने वाला हूं। दोस्तों आज जो मार्केट में हुआ ना वो साइडवे मार्केट था, टोटल साइडवे मार्केट था, तीनों इंडेक्स में साइडवे मार्केट था। जिसने भी तीन चार दिन से प्रॉफिट कमाया होगा ना उसने आज लॉस कराई होगा। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा यहाँ से बढ़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे ये तो नहीं बता सकता कि आपको यहाँ पे कॉल लेना, क्योंकि आप अपने हिसाब से ही रिस्क मैनेज करके आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको केवल मार्केट का डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आपको आपके अकाउंट में घुस के ट्रेड तो नहीं ले सकता। तो जब भी मैं आपको मार्केट का डायरेक्शन दूँ ना टेलीग्राम पर तो आप ना अपने हिसाब से ट्रेड ले लिया करो। तो हम अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। तो देखो मार्केट ना इस कैंडल से शुरू हुआ था। अब जब भी देखना अगर मार्केट ऐसी कैंडल बना देता ना लंबी और ऊपर भी विक और नीचे भी विक, पिछला डाटा उठा के देख लो, गारंटी देता हूँ उस दिन मार्केट ना साइडवे में ही रहता। अब ये कैंडल जब भी बने ना ऐसी कैंडल, फर्स्ट टाइम रेंज खींच लो, बस रेंज बना के बैठ जाओ। मार्केट उसको तोड़ेगा तब ट्रेड ले लो, या उस रेंज के टच करेगा ना अब तब ट्रेड ले लो। अब देखो दोस्तों एक तो ये हमारा सपोर्ट आ रहा था, देखो एक दो तीन और चार, आज चौथी बार यहाँ पर टच करा। और मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर से शुरू होकर टच होता है ना तो वो भागता है। तो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो आपको स्कैल्पिंग एंट्री तो यहाँ मिल जाती, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को अब ध्यान से देखना। देखो अब मार्केट यहाँ पर नीचे आया सपोर्ट पर, देखो सपोर्ट पर आने के बाद में देखो ये कैंडल ऊपर वीक बना दी, ऊपर का प्रेशर बता रही थी, लेकिन ऊपर जाके ये नीचे तोड़ दी। नीचे तोड़ने के बाद में देखो अब आप पिछला डाटा देखोगे ना, अब दोस्तों देखो मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम किस हिसाब से बताया था, देखो मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद में ये हायर लो बनाया। अब हायर लो बनाने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पर जाता ना तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहता। मार्केट ने लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बजाय में यहाँ पर आया और ये फर्स्ट लोअर हाई बना दिया। अब लोअर हाई बनाने के बाद में मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो और ये लोअर हाई, लेकिन ये लोअर लो पूरा यहाँ तक बना नहीं और यहाँ से ऊपर जा रहा था। और यहाँ से ऊपर जाने के बाद में मैंने आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करके, मैंने ये फिबोनाची ऐसे ड्रॉ करा था, देखो ये मैंने आपको फिबोनाची ड्रॉ करके मैंने ये बता दिया था आपको कि अगर मार्केट ना इससे ऊपर निकलेगा ना इसके ऊपर तो मार्केट ना बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि अब पिछला डाटा देखो आप, ऐसा मार्केट में बहुत बार होता है, बहुत बार अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो हायर हाई हायर लो, लेकिन अब मार्केट ने पहले ही लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई बना के लोअर लो नहीं बनाया और ये हायर हाई बना दिया। अब हायर हाई बनाने के बाद में देखो मार्केट ने इसको तोड़ा और मार्केट वापस बुलिश हो गया, देख ली। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पर गया और ये एम पैटर्न बनाया, लेकिन इसको तोड़ा नहीं, और इसको तोड़ता ना तो मैं आपको गारंटी देता था मार्केट ना बुलिश ही होता। लेकिन मार्केट वापस यहाँ से जब एम पैटर्न बना कि रिवर्स हो रहा था, मेरे को तभी पता चल गया था कि ये मार्केट अब गिरेगा, तो मैंने टेलीग्राम पर आपको वापस से अपडेट दे दिया ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं बचा। देखो मैंने आपको वापस से टेलीग्राम ग्रुप में ये ट्रेड लाइन बना के बोल दिया था कि अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को तोड़ेगा ना तो मार्केट वापस से बेरिश मोड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से ये जब मार्केट बायर्स यहाँ पर कोशिश ही नहीं कर पाए इसको ऊपर ले जाने की, तो ये तो पक्का था कि मार्केट अब बेरिश होगा, ये तो कन्फर्म हो गया था। क्योंकि जब बायर यहाँ पर कोशिश करे और उसके बाद में ऊपर नहीं ले जा पाए ना तो मार्केट को जाना तो ऊपर ही था। अगर आप उस वक्त RSI सब देखोगे ना उस वक्त वो सब नीचे इंडिकेट कर रहे होंगे। तो देखो अब ये लोअर हाई बना दिया था, लोअर हाई के बाद में देखो लोअर लो, लोअर हाई और इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ने के बाद में अपनी एंट्री हो जाती, ठीक है दोस्तों। अब मैं वापस से ऊपर से एक ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि हमको एक ये ट्रेड लाइन मिल चुकी है। मार्केट ने यहाँ पे दो तीन बार टेस्ट कराया ना, तो मैं ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको हटा देता हूँ।
अब मैंने आपको ये विक बनाई थी, ये विक देखो, अब यहाँ से विक से हैमर कैंडल बना के मार्केट वापस ऊपर जाता है, ऊपर जाके वापस देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बना के नीचे आ जाता है, और नीचे आके वापस डब्लू पैटर्न बनाता है कैंडल वाला, और मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है। अब दोस्तों हम मैं आपको फिन निफ्टी के आंसर की वीडियो बताता हूँ। फिन निफ्टी में दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था कि फिन निफ्टी ना अगर इस रेंज को तोड़ेगा ना तो मार्केट बेरिश होगा। कैसे बताया मैंने ये देखो, आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को करो, आप हमेशा अपना एनालिसिस ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करा करो। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को ये रेंज मिल गई थी, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इतनी बक्स नहीं होती, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ना बहुत सारी बक्स होती है। देखो ये मैंने आपको ये रेंज निकाल के दे दी थी। अब मैंने आपको बोला था कि कन्फर्म है कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा ना, ऊपर तोड़े या नीचे, तो मार्केट ना मूव करेगा, पास्ट मूव करेगा। लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ पर तोड़ा और यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल बना के ऊपर चला गया दोस्तों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, और यहाँ पर तोड़ने के बाद में सबने अपनी एंट्रीज क्लोज करी, और उसके वजह से मार्केट वापस ऊपर चला गया। और आप अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखो आराम से ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ऊपर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करके ट्रायंगल पैटर्न बना के नीचे ब्रेक करा, और नीचे ब्रेक करके वापस ट्रायंगल पैटर्न बना के वापस से मार्केट नीचे ब्रेक करा। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी के आंसर की वीडियो देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक दो और यहाँ पर थर्ड टाइम सपोर्ट लेने तो आया नहीं, लेकिन ये ऊपर ही चला गया था, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर गया, डोजी कैंडल बनाई और ये हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर तो हमारी एंट्री हो जाती है, और ये रेजिस्टेंस भी था, ठीक है दोस्तों। अब मार्केट वापस पुल बैक कहाँ से देगा, अब हम फिबोनाची ड्रॉ करके देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं है, तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करके एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया फिबोनाची, तो हमें ना ये रेंज निकल के मिली है ये वाली, है ना। तो इस रेंज में जब भी मार्केट ना आएगा तो यहाँ से वो मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप मार्केट इसको तोड़ के नीचे आता है, ठीक है। अब देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ये लोअर लो बनाया, और लोअर लो बनाने के बाद में अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती ना तो मार्केट वापस हायर हाई में चला जाता, ये ऐसे ऊपर क्लोज करता, ठीक है, वापस नीचे आता, ये हम ट्रेड लाइन बना, ऐसे मार्केट ट्रेंड चेंज करता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मार्केट जैसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता है, और यहाँ पर वापस मार्केट ऊपर यहाँ पर हायर हाई बनाने गया था, लेकिन हायर हाई बनाने नहीं पाया, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता ना तभी मार्केट हायर हाई बना पाता, लेकिन ये लोअर हाई था, और लोअर हाई में यहाँ पर मार्केट आया और यहीं पे कंसोलिडेशन करा, और इसको तोड़ने के बाद में हमारी एंट्री हो जाती, ये जो ये ट्रायंगल पैटर्न है ना ये वाला, ये देखो इसको तोड़ने के बाद में हमारी एंट्री हो जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना ऐसे में बिल्कुल ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है ना, देखो इसमें अगर आपको साफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले ना अब तभी एंट्री दिया करो। देखो ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, ये तो हमें साफ मिल गया, और नीचे भी अगर आप देखोगे ना तो ये हमें एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो जब हमें ये ऐसी रेंज मिल जाती है ना, ऐसी वाली रेंज, तो आप इसमें तो ट्रेड ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ना ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, देखो यहाँ पे है ना, तो आप क्या सोचोगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया और अब ट्रेड ले, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं, मार्केट एक पैटर्न में घूम रहा है, तो वहाँ उस पैटर्न में वो हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, लेकिन जो ये पैटर्न का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना वो मार्केट बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। अब बस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको इतना सा काम करना रहता है कि आपको ना कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है ना उसको आपको केवल देखना रहता है कि यहाँ पर हाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, अब मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैं आपको वो एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बता दूंगा, अभी तो मैंने आपको दो ही कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, तो मैं आगे आपको और भी कैंडलस्टिक पैटर्न बता दूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ पे मार्केट आया वन वे में ऊपर चला गया, यहाँ पे ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक बनाया, देखो बॉडी और विक दोनों सेम है, मार्केट वापस नीचे आया। अब यहाँ पर देखो कैंडल गैप अप ओपन हुई है
और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो वापस रेजिस्टेंस पे एक कैंडल गैप डाउन ओपन हो गया। देखो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने हो तो यहाँ पे देखो ट्विजर बॉटम कैंडल बनी है, दोनों का बॉटम सेम है। देखो सपोर्ट पर आने के बाद में देखो ऐसे यहाँ पर देखो ये वाला पैटर्न तो खराब है, इसमें तो कोई एंट्री नहीं दे, लेकिन ये देखो ट्विजर बॉटम बिल्कुल दोनों का बॉटम सेम है। और यहाँ पे देखो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है और ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री थी। यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बनाया, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी, फिर से कैंडल वापस आई, तो ये कैंडल वाला डब्लू पैटर्न और ये कैंडल जब ऊपर क्लोज करी और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न या चैनल कुछ भी फ्लैग पैटर्न बना और ये ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद हमारी एंट्री इसमें हो जाती है। और अब ऊपर की कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे एंगल फिंग कैंडल पूरी कैंडल को खा गई। यहाँ पर देखोगे स्रिंगिंग कैंडल्स है, डोजी कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है और ये कैंडल नीचे क्लोज करी और हमारी एंट्री इसमें हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हैंगिंग मैन कैंडल है, कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है और यहाँ पर क्लोज करी। तो एक रेंज में जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं ना, तब तो आपको केवल ना केवल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने होते हैं। ये मैं आपको बारीकी से फड़ा दूंगा। और दोस्तों अब जो कल मार्केट होगा ना, वो जहाँ तक की बात है वो बुलिश या बेरिश दोनों में से होगा, लेकिन मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन में रहा है। तो अगर मार्केट कल भी यहीं पे ओपन होता है तो वो नीचे आएगा, यहाँ पर ओपन होता वो तो ऊपर जाएगा, और इसके बाद में जहाँ पे भी इसको ब्रेकआउट करेगा ना तो हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, हम तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या होगा। तो दोस्तों अब हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या होगा। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, देखो कैंडल ग्रोविंग कैंडल्स थी, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, अब ये हैंगिंग मैन कैंडल बन गए। हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, लेकिन कन्फर्मेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब डाउन ट्रेंड आ जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब मिलेगी हमें कन्फर्मेशन, जब कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तभी हमें कन्फर्मेशन है। ये कैंडल्स ना इन सबकी ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, समझे। तो अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाएगी ना कल, तो वो मार्केट वापस से बुलिश मोड में आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर पहले तो कंसोलिडेशन करेगा, फिर उसी के बाद में कुछ भी होगा। तो ये आप बिल्कुल ही मत मानना कि कल मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा ना तभी तो गिरेगा, और उसके ऊपर क्लोज करेगा तभी मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।